गुड मॉर्निंग साथियों, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जी हाँ, बिल्कुल इन्हीं पुरानी लाइनों के साथ में एक नई क्लास, एक नई उम्मीद के साथ सुबह के 6:30 बज चुके होंगे आपके। कितना बज रहा है? 6 बज रहा है ना। 6:30 बजे फर्स्ट सेमेस्टर होगी, तो सुबह के 6 बजे होती है थर्ड सेमेस्टर की मैथ, और ये सप्ताह में 3 दिन होती है। अगर डेली देखना है तो क्लास को ज्वाइन कर लें और फिर हर दिन देखते रहें। आज हमारा चैप्टर होगा, आपका चैप्टर होगा चैप्टर 5, जिसका नाम है सरल एवं चक्रवृद्धि ब्याज। सरल ब्याज या साधारण ब्याज, इंग्लिश में बोलें सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट मीन्स चक्रवृद्धि ब्याज। तो पहले हम जान लेते हैं ये ब्याज होती क्या है। आपने सुना होगा कहीं, जानते होंगे कुछ लोग, पहचानते ना होंगे कुछ लोग, पहचानते होंगे लेकिन जानते ना होंगे। तो आपने देखा होगा अक्सर, मॉडर्न ज़माने की बात बताएं, आपके पास बैंक अकाउंट होगा लगभग सभी के पास। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2014 में जनधन योजना की शुरुआत करके अनुकूत अकाउंट खोलवा दिया इंडिया भर में, है ना। चाहे पैसा किसी के अकाउंट में हो या ना हो, लेकिन अकाउंट सबके होगा। तो इसमें क्या होता है, आपने देखा होगा अगर आप पासबुक अपना प्रिंट करा के लेके आएँ, आपके खाते में अगर मानते हैं कि 500 या 1000 रुपये अभी है, तो उसमें कभी कभी ऐसे देता है आई एन टी पेड या प्रिंट ऐसे कुछ करके लिखा होता है, और फिर लिखा होता है इधर जैसे 1 जनवरी 2018 टू 30 जून 2018 ऐसे। इसका मतलब जानते हो क्या होता है? उसके आगे कुछ अमाउंट लिखा होता है, आपके खाता में जितना पैसा है उसके हिसाब से। जैसे अगर 1500 में है तो 2 रुपया 4 रुपया, अगर लाखों में होगा तो 1500 रुपये आगे जुड़ता है। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब ये है कि INT मतलब इंटरेस्ट, ठीक। INT शॉर्ट में लिख देते हैं, इसका मतलब होता है इंटरेस्ट। पेड मतलब ब्याज आपको दिया गया। कौन दिया? बैंक ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि आपने अपना पैसा बैंक में जमा किया हुआ था। और हाँ, आपको और बता दें एक मज़ेदार बात यहाँ पर, नॉलेज वाली, आपको बैंक पैसा क्यों देता है, क्यों देगा पैसा? वो इसलिए पैसा देता है, अक्सर जो बैंकें हैं भारत में वो साधारणतया सेविंग अकाउंट पे 3.5% ब्याज देती हैं। 3.5% आपको ब्याज देती है आपका पैसा रखने के लिए। और हाँ, अगर एक लिमिट सीमा में है, तो अगर हद से ज़्यादा है, कुछ लिमिट होती है, तो फिर ब्याज आपसे वो लेती है रखने के लिए भी। और दूसरी बात ये है, हमें बैंकिंग के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन जो सामान्य जानकारी आपको बता दें कि जो आप कार का लोन लेते हैं, मकान का लोन लेते हैं, या कोई भी प्रकार का अगर आप लोन लेते हैं बैंक से, कर्जा लेते हैं, तो उसमें वो 3% आपको दे रही है, यहाँ पर देख रहे हो ना, फिर आपसे वो 12 से 14% तक ब्याज लेती है। बहुत से ऐसे स्कीम है जिसके अंतर्गत खूब सारे ब्याज वसूले जाते हैं। तो बैंक जो है अपने फ़ायदे के लिए काम करती है, आपके लिए नहीं। और हाँ, दूसरी बात एक और भी बता दें आप सभी को, इसी मंच के माध्यम से एक प्रकार से आप लोग जहाँ जुड़े हुए हैं, कि बैंक जो है ना हमेशा जनता को बेवकूफ़ बनाती है। वो कैसे? आप देखते होंगे रूल होता है कि अगर आपके अकाउंट में 500 रुपये अगर रूरल एरिया में है, गांव में, तो होना चाहिए मिनिमम। अगर गांव में अच्छी खासी जगह पर है तो 1000 रुपये। सिटी में आप देखते होंगे, महानगरों में, मेट्रो सिटी में 3000 रुपये मिनिमम बैलेंस रखने का सीमा दिया है SBI ने, BOB, बहुत सारे बैंकों ने। अगर आपके अकाउंट में एवरेज 90 दिन का जोड़ा जाता है, 90 दिन के अंतराल में अगर 3000 का एवरेज नहीं बनता है, तो आपसे ढेर सारे पेमेंट किए जाते हैं, आपका बैलेंस काटा जाता है। इतना ही नहीं, आपने देखा होगा अगर आपने ATM कार्ड से 3 से अधिक ट्रांजेक्शन कर लिए, ध्यान से समझना, इसी टॉपिक से रिलेटेड है, ये मत सोचना कि बकवास कर रहे बिना मतलब का। ये आपका ब्याज हम पढ़ा रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, वहाँ पर यही सब बात होने वाली है। तो क्या होता है, अगर आपने 3 से अधिक ट्रांजेक्शन कर लिए, किस पे, जैसे SBI का ATM कार्ड है, आपने बैंक ऑफ बड़ौदा के ATM मशीन में 3 से अधिक ट्रांजेक्शन किए, तो मालूम है 150 रुपये प्लस GST तक का ट्रांजेक्शन का चार्ज भी कटता है। अगर आपने बैलेंस भी चेक कर लिया, जिसे बोलते हैं क्या, नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, बैलेंस भी चेक कर लिया, तभी वो ट्रांजेक्शन में जुड़ता है। तो ये बहुत सारी कंडीशन लगाया हुआ है। और हाँ, हमने आपको पीछे दिखाया भी था, आप जहाँ से भी होंगे कमेंट करके बताना आपके यहाँ ATM की दुर्दशा कितनी ख़राब है, मतलब कितनी दुर्दशा हो रही है। ATM में लोग लाइनें लगाते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं, सर्वर नहीं काम कर रहा, पैसा नहीं है, आखिर जनता को इतना बेवकूफ़ बना करके मिनिमम बैलेंस का चार्ज ले रहे हो। मैसेज आ रहा है बैंक से, जो पैसा कटता जमा होता है उसका मैसेज चार्ज कर ले रहे हो, मतलब मैसेज अलर्ट का पैसा ले रहे हो। आपने डेबिट कार्ड या ATM कार्ड दिया है, आपको पता है अगर आपने SBI का मास्टर कार्ड लिया है, जो कि हम अपने अनुभव के आधार पर बता रहे हैं, तो उसका आपको 275 रुपये प्लस GST लगभग चार्ज होता है।
प्रीमियम में। प्रीमियम का खासियत होता है आप 2 लाख ट्रांजेक्शन पर डे कर सकते हैं, तो ये सबसे हाईएस्ट वाला बता रहे हैं। कहने का मतलब आप एटीएम कार्ड का पैसा जो आप देते हो उससे हम लोग अपना ही पैसा निकालते हैं, फिर भी उसका आप पैसा लेते हो, हमारा ही पैसा जमा करते हो, अगले को ब्याज देते हो, खुद कमाते हो, फिर अगर हमारे अकाउंट में कम हो जाता है तो आप उसका पैसा लेते हो। अगर आपने मैसेज भेजा ट्रांजेक्शन का जो कि आपके बैंक में कट रहा है या जमा हो रहा है, उसका भी आप SMS का चार्ज अलग से लेते हो। यहाँ तक कि अगर अब आप पासबुक प्रिंट कराओगे बार बार तो आपको पासबुक प्रिंटिंग का भी पैसा देना पड़ेगा। तो हर चीज़ का देना पड़ता है। तो आपकी जो जिम्मेदारी है, बैंकों की सुविधाओं को आप बेहतर क्यों नहीं बनाते हैं? ATM मशीन आपकी हर जगह अच्छे से क्यों नहीं चलती है? कहीं काम नहीं करती है, कहीं शटर गिरा रहता है, कहीं पैसा ही नहीं, अक्सर तो पैसा ही नहीं होता है। ये मैं मेट्रो सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मेट्रो सिटी में लगभग सही होता है, ये आम जगह पे देख लीजिए, बड़े बड़े सिटी में देख लीजिए जो कि स्मार्ट सिटी बनने के ख्वाब पर अभी पल रहे हैं। जैसे प्रयागराज इलाहाबाद की बात करूँ जहाँ पर हम इस समय हैं, वहाँ की बात भी मैं आपको बता रहा हूँ, हमने कई वीडियो भी बनाए हुए थे इससे रिलेटेड। तो ये सारी बातें थी जो आप लोग समझ गए, यहाँ पर थोड़ी सी बातचीत भी हो गई इससे रिलेटेड। ये बैंकिंग से संबंधित था क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं ब्याज, है ना। तो ये ब्याज अब हम चलते हैं पहले के ज़माने में, देसी स्टाइल में आपको समझाते हैं, ध्यान से देखना, क्लास को पूरा देखना, भागना मत। देखिए, पहले के ज़माने में सेठ साहूकार हुआ करते थे, लोग अपना पैसा बैंकों में नहीं जमा करते थे, जो भी जिसके पास ज़्यादा पैसा होता था वो साहूकार कहा जाता था, अब इस समय वो बिचौलिए कहे जाते हैं, समझ गए ना। इसका मतलब क्या हुआ, बिचौलिए और साहूकार में दोनों अंतर होता है, मैं आपको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, माफ़ करिएगा किसी को बुरा लगे तो, ठीक ना। देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे पहले अगर किसी के पास ज़्यादा पैसा रुपया है तो वो क्या करता था, दूसरों को, गरीबों को पैसा देता था, ऐसा नहीं दान करता था, दान नहीं करता था। जैसे कि मान लेते हैं कि कौन है, एक है महेश, महेश सेठ हैं ये, ठीक, साहूकार जिन्हें बोलते हैं, इनके पास ढेर सारा पैसा है। और एक कौन है, मोहन, अब ये मोहन है किसान, ठीक है, कौन है ये है किसान, ध्यान से समझना। अब जान रहे हैं कि भारत सरकार में जो हो रहा है, किसानों के नाम पर वोट मांगे जाते हैं, किसानों के नाम पर राजनीति की जाती है, लेकिन किसान अंततः क्या करता है, गेहूं चावल बेच करके तो अपना वो घर का खर्चा चलाता है, वो भी नहीं हो पाता है, उसका फ़ायदा उसको नहीं मिलता, बीच में बिचौलिए ले जाते हैं, जो उसके घर से ले कर खरीद के जाते हैं, वो कुछ नहीं करते, राजा जैसे रहते हैं आराम से, ना उनको काटना, ना बीनना, ना उनको कोई काम करना, बस किसान के यहाँ से खरीद कर मंडी पहुँचाते हैं, किसान के यहाँ से 12 में खरीदते हैं तो मंडी में 20 में बेचते हैं, 8 रुपये या 800 का जो फ़ायदा होता है पर कुंटल वो मुफ्त में होता है, बीच में जो भी मैनेजमेंट का लगे वो अलग बात है, मतलब समझना। ये है गरीब, इन्होंने क्या किया, सेठ जी से पैसा लिया, कितना लिया, 100 रुपया लिया, मतलब समझना हम क्या बताने वाले हैं, 100 रुपये लिया पैसा। अब ये बोले सेठ जी कि भाई तुम 100 रुपये ले रहे हो मुझसे, लेकिन हमें आप क्या करना, हर महीने 5 रुपये ज़्यादा देना तभी हम पैसा देंगे, 5 रुपये ज़्यादा देना, मतलब ज़्यादा देना तो गलत हो गया, सॉरी ज़्यादा नहीं, मतलब 100 रुपये आप मुझसे ले रहे हो, आप हमें हर महीने 5 रुपये देना इसके बदले में, मतलब हर महीने 5 रुपये देना, बाकी जो 100 रुपये लिए उसको तो आप दोगे ही, ये नहीं कि 100 रुपये ले लिए 5-5 रुपये देना बस पट गया, ऐसा नहीं, वो तो आप 100 रुपये हमें इकट्ठा दोगे बाद में, लेकिन उसके बदले में आप किराया के रूप में हमें 5-5 रुपये देना हर महीने। तो इस तरह से समझना, एक साल में कितना महीना, 12 महीना, तो यानी कि साल भर में ये कितना रुपया देंगे सेठ जी को, 60 रुपये देंगे, लिया कितना था, 100 रुपये लिया था, मतलब अगर एक साल बाद ये पैसा लौटाएंगे तो कितना लौटाएंगे सेठ जी को, एक साल बाद ये 160 रुपये लौटाएंगे जो 100 रुपये लिए थे। अब यहाँ मतलब समझना, 100 रुपये पर सेठ जी ने जो कुल मिला करके उनसे पैसा लिया पूरे साल में कितना लिया, 60 रुपये लिया, यानी कि ब्याज की दर कितना लगाया था उन्होंने, 60%, क्यों, क्योंकि प्रतिशत 100 पर ही निकाला जाता है, यानी कि सेठ जी ने मोहन जी से कितना पैसा लिया, मतलब ब्याज कितना लिया, किस दर से लिया, 60% की दर से उन्होंने क्या किया, इनसे साधारण ब्याज लिया, मतलब क्या लिया, ब्याज लिया, मतलब इसे सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं अभी, साधारण ब्याज, ध्यान से समझना, चक्रवृद्धि ब्याज भी इसी में आ जाएगी, बस देखते रहना। तो ये हो गई साधारण ब्याज, समझ गए ना। कहने का मतलब कोई भी बैंक या कोई भी सेठ साहूकार अगर किसी को कोई पैसा उधार देता है उसके बदले में जो उसका रेंट लेता है या किराया लेता है वो उसका ब्याज कहलाता है। और ये मत सोचना कि जो 100 रुपये में 5-5 रुपये ले रहा है उसी में पट गया, वो 100 तो बाद में फिर इकट्ठा लेगा उसको। हाँ, तो इस तरह से जो हुआ, 160 रुपये देंगे महेश सेठ को मोहन जी, तो वो कितना प्रतिशत ब्याज की दर क्या होगी, 60% होगी, इतना महंगा ब्याज, समझ गए।
अब देखना कि चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब यहाँ पर हम इन्हीं दोनों की बात करेंगे, बाकी कोई तीसरा नहीं आएगा इसमें हस्तक्षेप करने। देखिए अच्छे से समझना, आज शुरू है, ये पहला क्लास है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा ये। मानते हैं अभी आपने देखा कि कुल मिला के 160 रुपये इनके हो गया था, इनके हो गए नहीं गया था, मतलब मोहन जी का कर्जा हो गया था सेठ जी के पास, यानी कि सेठ जी से इन्होंने 100 रुपये लिया था, ब्याज व्याज मिला करके 160 रुपया हो गया एक साल में। अब खुदा ना खास्ता किसान की किस्मत वैसे भी ख़राब होती है इंडिया में, है भी कि ये 160 रुपये चुका नहीं पाए, मतलब एक भी रुपया ये ना दे सके किसी कारणवश, इनकी फसल बर्बाद हो गई, बाढ़ आ गई, इनकी भैंस मर गई, इनकी गाय मर गई, या कुछ ऐसा हो गया, बल्कि ऐसा होना नहीं चाहिए फिलहाल, तो ये दे नहीं पाए। अब क्या होगा ध्यान से समझना, अब होगा ये कि 100 रुपया तो सेठ जी ने दिया था उनको, और 60 रुपया क्या है, 60 रुपया पूरे साल का क्या था, ब्याज था, क्या था, ब्याज था। और ब्याज की दर आप समझ गए हो, समझ गए हो ना कितना, 60% आई थी ना, अभी हमने आपको दर निकाल के दिखा दिया था। तो अगली साल ये क्या करेंगे जल्दी बताओ, अगली साल क्या करेंगे ये सेठ जी, अगली साल मुफ्त में माफ़ नहीं कर देंगे, पूरे साल में कितना वसूल लेंगे मालूम है? देखो पहले तो ये 100 रुपये का 60 रुपया तो फिर से वसूलेंगे अगली साल ये, और वो 100 रुपया तो वो लेंगे ही, अभी मतलब समझना अगली साल ये कुल मिला के कितना रुपया लेंगे ब्याज और टोटल कितना लेंगे, ध्यान से देखना ये, मतलब समझना 60 रुपया इसका हो गया, और प्लस प्लस क्या होगा, इस 60 का 60% लेंगे, मतलब 100 का 60% तो 60 रुपया हो गया, इस 60 जो ब्याज आई थी ना उसका भी 60% अगली बार में ब्याज लेंगे, मतलब जो ब्याज का ब्याज पड़ रहा है वही चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अभी आगे समझना कैसे, 60 का 60%, 60 का 60% का मतलब हुआ, यहाँ देखना का मतलब गुणा 60 बटा ये क्या हो गया 100, मतलब समझना 60 का 60% मतलब यही हुआ, तो ये 0 0 कट गया, मतलब 36 रुपया। यानी कि ये सेठ जी क्या करेंगे अगली बार में, सॉरी 36, 96 नहीं, मूलधन पर 60 रुपया का ब्याज लेंगे, और जो इनका ब्याज हुआ था पिछली साल का 60 रुपया वो नहीं चुका सके, उस पर भी वो 36 रुपये का ब्याज लेंगे, और इस तरह से कुल मिला करके सेठ जी क्या करेंगे अगले साल क्या करेंगे वो 160 रुपया में, इसको जोड़ लो कुल मिला करके 96 रुपया का ब्याज वसूलेंगे। तो अगली साल के लिए कितना रुपया देना पड़ेगा किसान जी को, कितना देना पड़ेगा जोड़ लो पूरा, ये आपका हो जाएगा 6 9 6 15, 5 हासिल 1 और 1 1 2, अगली बार 256 रुपया देना पड़ेगा दूसरी साल, बात समझ गए ना। यानी कि यहाँ पर आपको ये क्लियर हो गया होगा कि इसमें क्या हुआ, ये 96 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज लग गई, मतलब जो ब्याज की ब्याज हो गई, समझ गए ना, अब बात समझ में आई। जैसे कहते हैं कि पापा के पापा, पापा के पापा मतलब कौन, चक्रवृद्धि ब्याज, समझ गए, बात समझ में आई ना। तो ये था साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, उम्मीद करते हैं आप इससे अच्छे से आप कहीं नहीं समझ सकते हैं और पक्का समझ भी गए होंगे, कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर अभी तक आपने इस क्लास को लाइक नहीं किया तो तुरंत कर देना, बिल्कुल देर ना करना तुरंत, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना, आगे देखते रहना। देखिए साथियों यहाँ पर एक बात एकदम क्लियर कर लेना, एकदम स्पष्ट हो जाए, आपको कन्फ्यूजन ना हो। देखो हमने क्या बताया, अभी जो बताया उसका सार दिखा दूँ आपको एकदम निचोड़। हमने कहा था कि 100 रुपये उधार लिया गया था मोहन के द्वारा साहूकार से, है ना, तो 100 रुपये क्या था, वो मूलधन था, प्रिंसिपल अमाउंट था, उस पर जो ब्याज लगा था पूरे साल का आपने देखा था 60 रुपये लगा था ना 60, वो क्या था, ब्याज था। लेकिन जो ये 100 और 60 मिल करके टोटल बनता था वो क्या है मालूम है, उसे मिश्रधन कहा जाता है, मिश्रधन, समझ गए। और फिर देखना अगला, अब इन्होंने अगली साल जो है 160 रुपये नहीं चुकाया, चुका नहीं पाए, तो ये क्या बन गया मिश्रधन, ये मिश्रधन अगले साल के लिए मूलधन बन गया, क्या बन गया, मूलधन बन गया, ये फिर क्या हो गया, मूलधन हो गया। अब उसके बाद जो इस पर टोटल ब्याज लगेगी वो क्या कहलाएगी, चक्रवृद्धि ब्याज वही कहलाएगी, यानी कि 96 रुपये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है। साधारण ब्याज कितना लगी थी, 60 रुपये लगी थी। इसके बाद अगली साल जो इस पर ब्याज लगेगी वो क्या कहलाएगी, फिर उसका क्या बनेगी, चक्रवृद्धि ब्याज बनेगी। तो ये थोड़ा शॉर्ट में समझ लीजिए, बाकी हो सकता है कहानी में आप काफ़ी बोर हो गए हो, इन फार्मूलों को नोट कर लीजिए अभी काम लगेंगे। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन धन ब्याज, और ब्याज बराबर अगर आप निकालेंगे
तो वो उधर पक्षांतर हो जाएगा मिश्र धन, तो क्या हो जाएगा? मिश्र धन ऋण मूलधन। नोट कर लो जल्दी से, इनका बहुत ज़रूरी काम लगेगा अभी आगे। देखिए साथियों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आ चुका है, ध्यान से देखना। कह रहा कि 500 रुपये का 10%, 500 रुपये का 10% वार्षिक यानी कि एनुअल ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट और मिश्रधन बताओ, कैसे होगा? ध्यान से देखना, देखो गौर से समझना। यहाँ पर करना क्या है आपको, यहाँ पर ये करना है कि जो मूलधन है वो 500 दिया है, दर क्या है 10%, देखो ऊपर दिया है, 2 वर्ष के लिए कह रहा था ना, तो पहले वर्ष का निकालोगे, समय क्या है पहले वर्ष के लिए। तो ये बताओ हमें सबसे पहले आप लोग कि 500 रुपये का 10% कितना होगा, निकाल के देख लो, 500 का 10% 50 रुपया होगा, कितना होगा 50 रुपये होगा, होगा कि नहीं होगा? होगा ना, ठीक। एक मिनट समझना, ब्याज ये कितना हो गया 50 रुपये, अब मिश्रधन कितना होगा? देखो उधर साइड मिश्रधन भी है, अगला साइड में इंग्लिश जानना होगा तो कमेंट करना बता देंगे, ठीक है। देखो साथियों, मूलधन था 500, ब्याज की दर 10%, पहले वर्ष के लिए था, ये किसके लिए था? फर्स्ट ईयर, पहले ईयर 50 रुपये, तो 500 में 50 जोड़ोगे तो ये मिश्रधन बन गया कितना, 550 रुपये। अब दूसरे वर्ष के लिए क्या होगा, वो 550 रुपये अब यहाँ पर मूलधन हो जाएगा, अब 500 नहीं रह जाएगा, ब्याज वही लगेगी 10%, और ये क्या है सेकेंड ईयर के लिए है, दूसरे साल के लिए है, कितना परसेंट 10%, 550 का 10% निकाल लेना 55 आएगा, और 55 को जब जोड़ दोगे 500 में तो कितना होगा 605 रुपया होगा। इस तरह से आपकी ब्याजें जो आ रही हैं कितनी आ रही, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए आपकी ब्याज जो है वो 105 रुपये आ रही है टोटल, और जो मिश्रधन है वो 550 और 605 रुपये हो जा रहा है, बात समझ गए ना? तो ये था सवाल निकालने का तरीका, इस तरह से आप लोग खुद से करके बताना। अभी हम आपको एक होमवर्क देंगे, उसको खुद से ट्राई करना और फिर बताना, देखते हैं किसको कितना आता है। अब आपको निकाल के दिखा देते हैं एक सिस्टम से कि 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। लिखो जल्दी से नीचे, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर लिखो 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज। देखो ध्यान से देखना, 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो रहा है, देखो 605 रुपये हो गया फाइनल में, और कितना था 500 रुपये से शुरू हुआ था, है ना, हुआ था ना, इसको घटा लो कितना आएगा 105 आएगा, 105 आएगा ना, मतलब इसको आप जोड़ो ना ऊपर वाला, ऐसे भी समझ सकते हो। 2 वर्ष बाद चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ, 500 घटाओगे तो 105 हुआ, और 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखो साधारण ब्याज कितना होता है, सूत्र जानते हो ना, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100, लिख लो नहीं जानते हो तो, मूलधन कितना दिया है 500, दर कितना है 10%, समय कितना है 2 साल, नीचे क्या है 100, काट दो 5 आएगा, और 50 दूना ये हो गया 100, मतलब कि 2 साल का 2 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 100 रुपये है, और जो चक्रवृद्धि ब्याज है कितना है 105 रुपये है, दोनों का अंतर निकाल लो, दोनों का अंतर कितना आएगा 5 रुपये का आएगा, दोनों में कितना का अंतर आ रहा है 5 रुपये का अंतर आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि अगली साल जो है वो ब्याज का ब्याज पड़ जाता है इस वजह से, ठीक ना, बात समझ में आई, नोट कर लो जल्दी से, इतना जानकारी थी आपके लिए नीचे वाला जो पार्ट मैंने किया। एक सवाल आपके लिए, इसको खुद से करना घर से, 500 की जगह 800 रुपये रख दो, और 800 रुपये रख कर क्या करना है 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन बताना है, जैसे मैंने अभी सब कुछ किया था वैसे करके दिखाना, और इसको करके लेके आना, हल करना घर पर, नहीं करोगे तो फिर आप जानो आपका काम, और ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करें अगर डेली देखना है तो। अभी आगे देखते रहें, ये आप मुफ्त की क्लास देख रहे हैं बिल्कुल फ्री। देखिए मित्रों, चलते चलते इन सवालों को नोट कर लो जल्दी से, ये सिंपल वाले सवाल आपको लगाने आ जाने चाहिए, चूँकि आपको ये ना लगे क्लास देखने के बाद हमें कुछ मिला ही नहीं, सारा बकवास ही हो गया, ठीक ना। 100 रुपये का 3% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा, इस तरह का सिंपल सा सवाल जरूर आपके परीक्षा में पूछा जाएगा, थर्ड सेमेस्टर में आना चाहिए आपको। इसके लिए छोटा सा सूत्र होता है, साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट इक्वल मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट इंटू दर यानी रेट और इंटू समय, समय मतलब टाइम अपॉन 100, बस इसी को रख देना है। तो मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट क्या है 100 रुपये है,
दर कह रहा कि 3% समय है 2 वर्ष के लिए और ये है 100, काट दो इक्वल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आई ना, कितना रुपया हो जाएगा, 6 रुपया हो जाएगा। आप इसको जनरली भी गेस कर सकते हो, क्यों भाई, कह रहा कि 100 रुपये पर 3% वार्षिक ब्याज लगेगी, यानी कि 100 रुपया में जो 1 साल का ब्याज लगेगा वो 3 रुपया लगेगा। 3% मतलब जानते हो, प्रतिशत मतलब 100 पर ही निकाला जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य अमाउंट है वो भी 100 रुपये ही है, तो 100 का 3% मतलब 3 रुपये, और 2 साल के लिए बोल रहा है तो 1 साल के लिए 3, दूसरे साल के लिए 3, कुल मिला के 6 रुपये हो गया। बात समझ में आई ना, नोट कर लो, जल्दी से छाप लो इसको, ना समझ में आएगा तुरंत बताना। अब एक होमवर्क लिखो, जल्दी से तुरंत लिखो होमवर्क, बिना होमवर्क किए कल्याण नहीं ज़िंदगी में, चाहे अभी करो चाहे बाद में। अब 500 रुपये लिख लो इसका, बताना सवाल नंबर यहाँ पर 9 लिख लो, सवाल नंबर से मत घबराना, ठीक ना। हो गया, ये आपका एक सवाल हो गया, नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, हो गया, चलो ठीक है। अब 500 मिटा दो, अब यहाँ पर लिख दो 145 रुपया का 3% नहीं, यहाँ पर लिखो 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, सॉरी साधारण ब्याज। ये 10वां सवाल हो गया, जल्दी करो, हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए, तुरंत करिए, देर मत करिए, बहुत देर हो रही है, जान लो, ज़िंदगी में जितने ज़्यादा देर करोगे उतने ज़्यादा अंधेर होने वाली है। आगे देखो, 21-10 रुपया का 2% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का ही साधारण ब्याज बताओ, ये अगला सवाल हो गया। देख रहे हो हम क्या बदल रहे हैं, अमाउंट बदल रहे हैं, परसेंट बदल रहे हैं, दर बदल रहे हैं, आपको ये फार्मूला नहीं बदलना, इसी में लाला के रखना, ढकेल देना है, बस आ जाएगा अपने आप, समझ लो एक प्रकार से ये मशीन है, एक फैक्ट्री है। तो ये तो बात समझ में आ गई, उम्मीद करते हैं कि आप बेसिक कॉन्सेप्ट आज काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे साधारण ब्याज में। अभी ये ट्रेलर था, अभी मूवी बाकी है। हाँ जी बिल्कुल सही सुना आपने, अभी तो ये ट्रेलर था, ठीक, तो मूवी बाकी है, मतलब इसके जो और भी पार्ट्स हैं उसको देखोगे तब मूवी समझ में आएगी, और उसको देखने के लिए ऊपर आपको नंबर दिख रहा है, जिनको नहीं दिख रहा मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 9793488 और 448। जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए वो ज्वाइन अवश्य कर लें, ये व्हाट्सएप का भी नंबर है और ये फ़ोनपे का नंबर है, जिसको सुनकर आपको काफ़ी गुस्सा आता है काफ़ी लोगों को, है ना, और ये गूगल पे का भी नंबर है। कंप्लीट डीएलएड का 3rd सेमेस्टर, 1st, 4th, 2nd, कोई भी सेमेस्टर आपको पढ़ना है तो ये 549 रुपये जमा करके आप पूरा कंप्लीट मैथ पढ़ सकते हैं, ठीक ना, बात समझ गए ना, घर बैठे आप कर सकते हैं। आपको सारे लिंक्स आपके व्हाट्सएप पे मिलेंगे, कहीं खोजना ढूंढना नहीं होगा, पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, पहले दूसरी तीसरी क्लास एक तरफ से सीरियल से मिलेगा, बिना किसी टेंशन के घर बैठे पढ़ें, एक एक क्लास को चाहे 50 बार पढ़ें, कोई टेंशन नहीं। ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन नहीं कि आज बारिश हो रही भाई हम नहीं गए तो हमारा मिस हो गया, आज जो है हम बीमार हो गए तो हमारा क्लास छूट गया, इसमें छूटने वाला नहीं है, आपको लिंक मिल जाएगी, आप चाहे उस दिन ना देखो 10 दिन बाद देखो तब भी देख पाओगे, ठीक। और ध्यान रहे, ये जो हमने आपको बताया ना, ये 30 सितंबर के पहले के लिए है, 30 सितंबर 2019, 1 अक्टूबर के बाद ये चार्ज 549 की जगह पे 699 होने वाला है, क्योंकि आपके जो मैनेजमेंट का कार्य है ना, बहुत तेज़ी के साथ हमें आगे ले चलना है, और आपके जो असिस्टेंट लोग वर्क करते हैं, आप देखते होंगे आपका फ़ोन कॉल इस समय रात के समय नहीं उठ पा रहा है, हमारी कोशिश है 24 घंटे आपकी फ़ोन कॉल उठे, 24 घंटे आपको व्हाट्सएप का रिप्लाई मिले, और उसके लिए भाई आप डे शिफ्ट एंड नाइट शिफ्ट में काम करने वाले भी होने चाहिए ना, तो होंगे तो क्या मुफ्त में कोई रात भी जागेगा नहीं, बात समझ गए ना आप लोग। तो साथियों बस इतना थोड़ा सा योगदान करना है, अगर आप देखोगे तो इतना तो ऑटो का किराया आपका लग जाएगा, अगर आप ऑटो से कहीं ऑफलाइन कोचिंग जाओगे या बस से जाओगे तो। हाँ किसी दिन आंधी आ रही, बारिश हो रही, तूफान आया है, बहुत तेज़ धूप है, तो आप जा भी नहीं पाओगे और आपका कोचिंग छूट भी जाएगी, लेकिन इसमें नहीं छूटेगी, चाहे बाहर खूब तेज़ से बारिश हो रही है, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं, कीचड़ नहीं लगना है, बेड पे बैठ के आप देख सकते हो। तो बात समझ गए होंगे, अगर पूरी तो ठीक है ज्वाइन कर लीजिए, अगर नहीं समझे तो बिल्कुल कोई टेंशन की बात नहीं है, 1 रुपया भी मत जमा करिए, बिल्कुल फूटी कौड़ी भी मत दीजिए, कहावत जानते हैं ना, बस यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके रखिए, यहाँ से देखते रहिए। जिन लोगों के दिल में और भी बहुत सारे सवाल हैं, इंक्वायरी कर सकते हैं इस नंबर पर, फ़ोन कॉल करके सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक, हाँ उसके अलावा अगर कॉल करेंगे हो सकता ना रिसीव हो, लेकिन व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो 24 घंटा रिप्लाई मिलेगा। चलते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को इन बातों के साथ, जय हिंद जय भारत, फिर से मिलते हैं अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए देखते रहें PVR स्टडी और दोस्तों को भी दिखाते रहें, शुक्रिया।